हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDP गुलबर्गा की जानिब से एक मेमोरेंडम डिस्ट्रिक्ट वफ ऑफिस को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को हम लोगों ने यहाँ पर मेमोरेंडम दिया है। ये जो मस्जिद फाजिलपुरा हुमनाबाद बेस के पीछे जो मस्जिद फाजिलपुरा है, तकरीबन कई सौ साल पुरानी यह मस्जिद है, हिस्टोरिक मस्जिद है। 7,000 स्क्वायर फीट के एरिए में जो मस्जिद है वहाँ पर, उस मस्जिद को कई सालों से बंद किया गया है, वहाँ पर सही मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा और वहाँ की जो मस्जिद कमेटी तक फॉर्मेशन नहीं की गई और वहाँ पर पूरे घास, गंदगी, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है उस मस्जिद में। यही ये बच्चे जो यहाँ पर हैं, इन्हीं के आबा अजदाद वहाँ पर नमाज़ पढ़ा करते थे, लेकिन आज ये बच्चे जब वहाँ पर पढ़ने के लिए नमाज़ की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आप बहुत बुरी हालत है। वहाँ पर लगातार हम लोग SDPI की तरफ से और इन लोगों के नौजवानों के तरफ से वहाँ लगातार हम लोग मेमोरेंडम, लगातार हम कमेटी को बनाने के ताल्लुक से एक डिमांड करने के बावजूद भी 4 साल से ये काम पेंडिंग है। वक्फ बोर्ड में टोटली काम नहीं हो रहा है सही तरीके से, और इस मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स तक इनके पास मौजूद नहीं थे। ये डॉक्यूमेंट्स तक ला कर देने का काम SDPI ने किया है। SDPI ने इनको डॉक्यूमेंट्स विथ पूरे चीज़ें, जो खाता स्टॉक है, टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स है, डिटेल्स है, और ये ज़मीन कितनी है उसका डिटेल्ड रिपोर्ट तक भी हम लेकर आकर सबमिट किए हैं। उसके बाद मस्जिद कमेटी को बनाने के बारे में एक प्रपोजल भी हम लोग दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ पर काम नहीं हुआ है कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। इसके अंदर गुलबर्गा नॉर्थ मोहतरमा MLA मैडम कनीस फातिमा जी, इनके पॉलिटिकल एक प्रेशर की वजह से ये काम पेंडिंग है। तो मैं अभी तक इसके बारे में वीडियो या फिर सोशल मीडिया पे या फिर मीडिया के सामने नहीं आने की वजह ये थी, क्योंकि हम चाहते थे इसको पीसफुल्ली एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये इमीडिएटली ये मस्जिद चालू होना, ये हमारा मकसद था। अगर हम इसको ओपनली मीडिया में लेकर आएंगे, कुछ शरपसंद कुछ ना कुछ गलत काम करेंगे, ये मकसद के वजह से हम खामोश बैठे थे। लेकिन 4 साल से खामोश बैठना ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात होती थी, इसीलिए आज हम लोग लास्ट मेमोरेंडम एक यहाँ पर देने आए हैं। ये दिए हैं डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर को, और साथ ही साथ वक्फ मिनिस्टर को और वक्फ चेयरमैन को, इन तमाम लोगों को ये मेमोरेंडम हम दिए हैं। अगर 15 दिन के अंदर खुद MLA मैडम इंटरवेन करके, यहाँ पर कमेटी फॉर्मेशन करके, क्लीनिंग का काम करके मस्जिद को फिर से शुरू नहीं किए, तो हम इनके ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर इसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी करेंगे, और हुआ तो इसके वास्ते लीगल कार्रवाई जो भी हो सकती हम इंशाल्लाह वक्फ बचाओ आंदोलन के तहत, SDPI का जो वक्फ बचाओ आंदोलन है उसके ज़रिए से हम लोग इसके लीगल कार्रवाई भी करेंगे। ये मस्जिद फ़िलहाल बंद है, तकरीबन कई सालों तक यहाँ पर नमाज होती रही, लेकिन कुछ वहाँ पर जब 92 के फसादात के बाद वहाँ पर जब लोग वहाँ से चले गए, उसके बाद को ये मस्जिद को टोटली बंद किया गया है। बारहा इसकी कोशिश की गई ये मस्जिद को चालू करने की, खुद डिस्ट्रिक्ट वक्फ डिपार्टमेंट वाले वहाँ पर टोटली नेग्लिजेंसी करने की वजह से, और जो यहाँ पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये काम अभी तक पेंडिंग है। हमारा डिमांड ये है के गुलबर्गा नॉर्थ मोहतरमा कनीस फातिमा जी जो MLA हैं, इन्होंने इंटरवीन करना इमीडिएटली, और डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट वक्फ चेयरमैन और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ गुलबर्गा, इन तमाम लोगों को ताकीद करके इमीडिएटली वो मस्जिद का काम शुरू करना, मस्जिद कमेटी फॉर्मेशन करना। और मैं यहाँ तक के ये भी सुन रहा हूँ कि कुछ मैडम के या फिर दूसरे बहुत ख़ास लोग क्या है मालूम वहाँ पर मुतवल्ली बनना चाहते कि एक ख्वाहिश रख रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को क्या भी चेयरमैन वीरमैन क्या भी नहीं मिला, कुछ भी पोस्ट नहीं मिला। तो ऐसे लोग जो हैं पोस्ट के भूखे लोग, जो कुर्सी के भूखे लोग, वो लोग मुतवल्ली बनने की ख्वाहिश रख रहे हैं वहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मुतवल्ली किसको तो बनाओ, हमारा मकसद है मस्जिद ओपन करना, हमारा मकसद है वहाँ पर मस्जिद आबाद होना। मुतवल्ली तुम किसको तो भी बनाते तो बनाओ, आपकी मर्ज़ी, लेकिन हमारा मकसद मेन काम होना बाकी है, वो आप ज़रूर करिए। और मुतवल्ली जिसको भी बना रहे हैं वो ईमानदार हो, मस्जिद को आए, मस्जिद को आबाद करने की कोशिश करे, और ये जो नौजवान वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं मस्जिद को आबाद करने के लिए, उसका पूरा सहारा बने। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आज SDPI के जानिब से अली मिलाई साहब के साथ हम वक्फ बोर्ड ऑफिस आए थे एक लेटर देने, जो अहरवाड़ी मस्जिद गुलबर्गा में कायम है,
तो मस्जिद फाजिलपुरा नाम है। इंशाल्लाह हम लोग बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, 2021 से मेहनत कर रहे हैं, अभी तक मस्जिद आबाद नहीं हुई है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को हम महीने और डेली आते रहते हैं कि मस्जिद का क्या हुआ, बोले तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं देते। आज हम इसके लिए अलीम इलाही साहब को लेके आए हैं, एक लेटर दिए हैं हमको, जल्द से जल्द मस्जिद आबाद करके दी जाए। और वहाँ पर गंदगी बहुत हो रही है, और यही कहेंगे लोगों से, आइए हम सब जल मिल के मस्जिद को आबाद करेंगे। हमारे अलीम इलाही सर हमारे साथ है, इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द मस्जिद आबाद करेंगे। मस्जिद बहुत 40 साल से बंद है, जब हम देखे थे जी कमेटी के लिए दिए थे हमने मिलके, सब हमारे नौजवान हमारे कमेटी के लोग हैं जो दिए थे, और वो हम जब देखे 2019 में देखे थे मस्जिद के लिए, तो हम 2021 में मस्जिद के लिए हम कमेटी के लिए दिए थे। 2021 से अब 2024 तक अभी तक कुछ भी हो मस्जिद का कुछ भी नहीं हुआ। हम 2023 में वो मस्जिद को हम जब JCP से वो सब साफ़ किए थे, साफ़ करने के बाद भी बोले थे कि वक्फ बोर्ड हम देखेंगे, कोशिश करेंगे चालू करने की, अभी तक वो चालू नहीं हुई है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द चालू करने के लिए हम गुजारिश करते हैं।